चाइना और पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली एक खबर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जापान और भारत एक ऐसे जोड़ा होंगे एशिया के जो बेहद शक्तिशाली होने वाले हैं। जहां एक तरफ ये खबर आती है, वहीं दूसरी तरफ कल ही भारत के सबसे बड़े रेल गन की बात होती है और आज ये वीडियो निकल कर सामने आता है जिसे जापान ने परीक्षण किया है। लेकिन इस परीक्षण के साथ, वैसे तो रेलगन सबके पास है, जितने भी बड़े बड़े देश हैं ज्यादातर के पास ये रेलगन है, लेकिन जापान के रेलगन में क्या खासियत है कि दुनिया इतना ज्यादा हैरान है। और इससे भी ज्यादा चाइना को टेंशन भारत की हो रही है। जानेंगे क्या है मामला। तो जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत नहीं माना, कनाडा ने अपने राजनयिकों को निकाल लिया, लेकिन जाते जाते इन्होंने यहाँ एक कारनामा कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको दिखाया स्क्रीन पर, एक आर्टिकल राइटर की ये खबर है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जापान और भारत दोनों एशिया के महाशक्तिशाली जोड़े बनने वाले हैं। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये दोनों ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं और जिस तरीके से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। वैसे आपको बता दें, इतिहास में जाएंगे ना तो इतिहास में जापान और भारत के बीच बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। जब बंगाल में अंग्रेजों की वजह से बहुत ज्यादा भूखमरी के हालात थे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान से बातचीत की थी और कहा था कि मैं वहाँ पर मानवीय सहायता भेजना चाहता हूँ और मानवीय सहायता के जहाजों पर आप हमला नहीं करेंगे। उस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था। तब जापान ने नेताजी को कहा था कि बिल्कुल आप भेजिए जहाज, हम आपके जहाजों पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ये अलग बात थी कि ब्रिटिश सरकार ने जहाजों को घुसने ही नहीं दिया और मानवीय सहायता नहीं ली, बल्कि लोगों को बंगाल में मरने के लिए छोड़ दिया। पर जापान का इतिहास ऐसा रहा है कि भारत के साथ जापान अच्छे रिश्ते चाहता था। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान जब अब चाइना के खिलाफ उठ रहा है, तो जापान ने सबसे पहला दोस्त किसे पकड़ा है, तो भारत को पकड़ा है। सच मानिए, अभी जापान को अमेरिका पर जितना भरोसा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा भारत के ऊपर भरोसा है। इसके पीछे कारण है, आपको बता दें, जब यूक्रेन पर हमला हुआ था ना, तब जापान ने बड़े कड़े शब्दों में अमेरिका से पूछा था, तुम अपना स्टैंड क्लियर करो, तुम किसकी तरफ हो, तुम क्या ताइवान के साथ भी ऐसा ही करने वाले हो। उस वक्त झलका था कि जापान शायद अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है, पर भारत के साथ जापान ताल में ताल मिलाकर चलना चाह रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, राइटर की ये खबर है। किसीदा जो इस वक्त जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा अगले 5 साल तक हम भारत में 5 ट्रिलियन येन लगाएंगे। 5 ट्रिलियन येन कितना होता है? करीब $42 बिलियन। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर भारत में लगाने वाले हैं ये पैसा अलग अलग कई प्रोजेक्ट्स में। अब इसके अलावा देखिए, भारत और जापान मिलकर स्टील के सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं, और स्टील के सेक्टर में काम करने का मतलब है कि ये रूस और चाइना दोनों को सबसे बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। भारत का JSW और भी कई कंपनियां हैं जो इस वक्त जापानी कंपनी से बातचीत कर रही है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए, इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जापानी कंपनियां कितना ग्रो करने में मदद कर रही हैं वो देखो आप। जापानी कंपनियों ने भारत में करीब 73% पैसा लगाया है और 73% भारत को ग्रोथ में ये मदद कर रही हैं। 25% पहले से जैसा था वैसा ही है, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो निकल भी रही हैं। बांग्लादेश और भारत में कुछ ही का ही अंतर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बांग्लादेश में क्यों इतना ज़्यादा अपना सेवा विस्तार कर रही हैं जापानी कंपनियां? तो यहां पर भारत की रणनीति काम आ रही है। आपको याद होगा, 2 ऐसे पोर्ट बांग्लादेश के जिन्हें कब्जाना चाहता था चाइना और बीच में बाजी मार ले गया था जापान। जो पोर्ट भारत को देना चाहता था बांग्लादेश, लेकिन मौजूदा जनता में बवाल मचने लगा
क्योंकि वहाँ भी जनता अलग अलग हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ भारत के फेवर में हैं। उन्होंने जब विरोध करना शुरू किया तब जापान यहाँ आया और जापान ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी। मतलब जापान और भारत दोनों मिलकर खेल रहे हैं यहाँ पर। वहीं सबसे ज्यादा निकलने की संख्या चाइना में है। खैर, जहाँ एक तरफ भारत और जापान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं लूनर मिशन के लिए भी जापान और भारत काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, 2025 में दोनों ही देश चंद्रमा के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जहां रोवर और लॉन्चर देगा जापान तो भारत देगा लैंडर। यानी ये बता रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, एक और स्क्रीन पे आर्टिकल देखिए, मिंट की रिपोर्ट है, वेदांता ने जापानीज कंपनी को बुलाया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारत में और जॉइंट वेंचर बनाने के लिए। अलग अलग कई सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत और जापान के बीच साझेदारी चल रही है। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि जापान और भारत शक्तिशाली होंगे। तो वहीं एक ये वीडियो रिलीज किया गया है जापान की सेना के द्वारा, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें इन्होंने एक रेल गन का परीक्षण किया है। और इस रेल गन के परीक्षण में एक बहुत बड़ी खासियत है, और खासियत ये है कि इसे युद्ध पोत पर माउंट किया गया है। पहली बार रेल गन को युद्ध पोत पर माउंट होते देखा गया, और जो स्पीड थी कमाल की स्पीड थी। भारत के लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि भारत एक बड़े रेल गन पर काम कर रहा है, और जिस तरीके से जापान भारत की साझेदारी है इसका फायदा भारत को निश्चित तौर पर मिलेगा, ये तो तय है। खैर, जहां एक तरफ जापान भारत के साथ ये सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की ये जो मैडम है, स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल, इन्होंने कहा कि हम बातचीत करके देख चुके हैं, भारत नहीं माना, और आखिरकार 20 अक्टूबर तक हमें अपने सारे 21 कनाडाई राजनयिकों को निकाल कर ले जाना होगा। और इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने वापस बुला लिया है। इन्होंने भारत के ऊपर दोष भी मढ़ा कि वियना कन्वेंशन के हिसाब से भारत गलत कर रहा है, भारत को ऐसा करने का हक नहीं है, भारत राजनयिक तौर पर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पर इन्होंने आखिरकार 20 अक्टूबर तक अपने सारे राजनयिकों को निकाल लिया। अब आपको बता दें, ये वही मैडम है जिन्होंने कहा था खुलेआम भारत के राजनयिक को कि रास्ता नाप लो। अब जब इनके राजनयिकों को भारत ने कहा कि तुम भी अपना अपना रास्ता नाप लो यहाँ से, तो इन्हें वियना कन्वेंशन याद आ गया है। वैसे जाते जाते इन्होंने कारनामा कर दिया, बिना कारनामा किए ये नहीं गई हैं, और इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि ऐसा लगता है कि कनाडा और भारत के रिश्ते इतने जल्दी सही नहीं होने वाले हैं। इन्होंने कहा कि देखो, राजनयिक इम्यूनिटी खत्म हो गई तो हम अपने राजनयिकों को ले जा रहे हैं। अब ये क्या होता है राजनयिक इम्यूनिटी, तो जो भी दूसरे देश के राजनयिक होते हैं उनको सुरक्षा दी जाती है और जिम्मेदारी होती है उस सरकार के ऊपर। लेकिन जैसे ही भारत ने निकालने की बात कह दी तो भारत की जिम्मेदारी खत्म हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई राजनयिक इम्यूनिटी खत्म हो गई है तो हम उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लोगों की संख्या कम है, चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलोर के कॉन्सुलेट को हम बंद कर रहे हैं। मतलब एक नया इन्होंने फोड़ दिया। कहते हैं कई बार ये जो अहंकार होता है ना, ये अहंकार डुबो देता है। वैसा ही कनाडा के विदेश नीति का हाल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।